हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। हम लोग इतने दिन से एक क्रिसमस ट्री सजा रहे थे जो हमने हमारे पिछले वीडियो में दिखाया था। अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ है उस पर, जो मैंने, शिप्रा ने और हमारे 3 साल का जो बेटा है इजराइल ने, उसने मिल के किया है। तो हम आपको दिखाते हैं। अभी और इस पर डेकोरेशन होना बाकी है, बैटरीज लगनी बाकी हैं कुछ एक डेकोरेटिव आइटम्स पर। इसको करने में हमें अभी तक लग गए हैं पूरे 3 दिन, जिसमें ऑब्वियसली पूरे 3 दिन लगातार काम नहीं किया होगा, लेकिन हाँ, हम लोगों ने किया होगा करीब 3 घंटे पर डे के हिसाब से। तो 9 घंटे में क्या डेकोरेशन हुआ है, आओ हम दिखाते हैं। तो ये है सच के तैयार हमारा क्रिसमस ट्री। अभी पूरा तैयार नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये सेंटा लाए हैं हम, जो स्टेयर्स पे से ऊपर नीचे होता है, ये टॉय होता है, लेकिन ये हमने क्रिसमस ट्री पे लगाया है क्योंकि हमारा मेटल का क्रिसमस ट्री है जो कस्टम मेड है हमारे लिए। ये LED स्ट्रिप लाइट है, कोई इलेक्ट्रिशियन से नहीं लगवाई है, हमने खुद ने लगाई है। और बाकी ये राइस लाइट्स हैं। ये स्टार अभी डेकोरेट होना बाकी है क्योंकि इसके लिए हमें समझ नहीं आ रहा किस तरह से हम लोग डेकोरेट करें। और देखिए बेल्स, थर्मोकॉल बेल्स। तो ये स्टार के लिए आप कमेंट करके बताएं। हाँ, स्टार के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं स्टार को डेकोरेट करने के लिए। आप गारलैंड पे खड़े हो, सो सॉरी। तो ये है अभी तक कितना है, स्नोमैन है, ये स्नोमैन बहुत ही अच्छा है। yeah. बहुत ढूंढ के हमने मंगाए हैं चीज़ें। wow. ये स्नोमैन हमने अमेजोन US से इंपोर्ट करवाया है, इसको आने में काफ़ी टाइम लगा था। और ये वो भी अमेजोन US से आई है, स्नोमैन US से आया है। ये बेल हमारे पास पहले से रखी हुई थी, बाकी का सारा सामान अभी तक जो इस पर दिख रहा है सारा या तो हम अमेजोन से लेके आए हैं या फिर जो डेकोरेटिव शॉप्स हैं जयपुर में वहाँ से। अभी इसका बेस बनाना बाकी है, ट्री कवर जो होता है बेस वो लगेगा, फेल्ट का क्लॉथ लेके आए। दिस इज अमेजिंग। ये सैंटा ऊपर नीचे भी होता है ये वाला ना, इसमें अभी बैटरी नहीं है, बैटरी लगेगी तो सैंटा ऊपर जाएगा। दिस बॉल्स आर वेरी ब्राइट। हाँ, ये बहुत ही ब्राइट, बहुत फ्लैशी लग रही है, बहुत ही अमेजिंग। और रात में इस समय 10:30 बजे और ये इतना अच्छा लग रहा है, पूरा ग्लिटरी शाइनी क्रिसमस ट्री। एंड दिस इज रेंडियर। ये है रेंडियर। हाँ, ये रेंडियर है, ये भी हमारे पास पहले का रखा हुआ है, नया नहीं लाया हम लोग। और शिप्रा ने इसको LED लाइट में घुसेड़ दिया है। इजराइल ने इसकी लाइट्स शाम को 4 बजे से ऑन कर दी थी, उसे इतना अच्छा लगा था दिखने में, एक्साइटिंग लगा था। अभी हमारे पास बहुत सारा डेकोरेशन का सामान बच रहा है जो डेकोरेट करने में यूज़ में आएगा। ऐसे बैग्स, ऐसे कैरी बैग्स भर के बहुत सारे हैं। पाइन कोन्स लगाने बाकी हैं, ऐसे ड्रम्स लगाने बाकी हैं, ऐसी वाइट थर्मोकॉल बॉल्स बाकी हैं। ये है गार्लैंड, ये आप लोगों ने कम देखी होगी क्योंकि बहुत कम जगह यूज़ होती है, इसको बोलते हैं गार्लैंड। ये मिलती भी बहुत मुश्किल में है, इसके हमें अभी तक सिर्फ पूरा जयपुर घूम के, पूरा गुड़गांव घूम के 2 पीस मिल पाए, एक जयपुर में मिला, एक गुड़गांव में मिला। अब हमें 3 पीसेस चाहिए क्योंकि जो हमारे घर के अंदर की मेन एंट्रेंस है, ये जहाँ पर हमने ये रीत लगा रखी है, इस वाली वॉल पर चारों ओर हम लोग इस वॉल पर यहाँ से ऐसे और ऐसे गारलैंड लगाना चाहते हैं डेकोरेट करके। अभी तो प्लेन गारलैंड है, इस पे चेरीज लगेंगी, लाइट्स लगेंगी, सब होगा। तो एक और जैसी मिल जाएगी गारलैंड तब हम लगाएंगे और फिर हम आपको वापस से दिखाएंगे कि अब कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आप हमारा क्रिसमस ट्री देखिए एंड इन्जॉय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे डेकोरेटिव आइडियाज़ अच्छे लगे हों, तो कॉमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।